बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 हफ्ते हो चुके हैं। अब तक लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन सभी यादों को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई अपने दर्द को बयां कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को लेकर तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, वहीं ये उनकी आखिरी फिल्म है। वहीं इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार रह चुकी फिल्म केदारनाथ में सारा अली खान भी काफ़ी इमोशनल होती हुई नजर आई हैं। सारा ने दिल बेचारा का ट्रेलर शेयर किया है तो वहीं इस ट्रेलर की जमकर तारीफ भी की है। सारा के बारे में अगर बात की जाए तो सारा भी इमोशनल होती हुई नजर आई हैं। सारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत एक आखिरी बार दिल बेचारा, और साथ ही साथ एक हार्ट ब्रेक इमोजी भी शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत इसके साथ हार्ट इमोजी शेयर किए हैं और आगे सारा लिखती हुई नजर आई हैं, वन लास्ट टाइम, और हार्ट ब्रेक इमोजी शेयर करते हुए सारा ने लिखा है हैशटैग दिल बेचारा। इस तरीके से सारा अपने दर्द को बयां करती हुई नजर आई हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेलर को देखने के बाद सभी अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं इस फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट नजर आएंगी संजना सांघी और इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।